एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। विकास यही है, सबका साथ सबका विकास। एक कानून क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कर पाते? भाई जीएसटी है, अगर एक रुपया पे लगती है तो एक करोड़ पे जीएसटी नहीं लगेगी। एक किलो पैकेट पर अगर जीएसटी लगती है मोदी, तो 25 किलो पे, 30 किलो पे, 40 किलो पर बराबर क्यों नहीं लगती जीएसटी? गरीबों का खून चूसोगे, इसके बाद मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हिंदुस्तान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पर खुश है। आपकी सरकार में मंदिर बना है, लेकिन आप राम को नहीं लाए हो, आप उद्योगपतियों को लाए हो। मोदी जी पूछता हूँ, लगभग 22 लाख करोड़ का बजट 2019 का था आपके पास, और मोदी जी आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके पीएस तो पढ़े लिखे होंगे, जरा जोड़िए हिंदुस्तान की जनता कितने है, 150 करोड़, 150 करोड़ मान लेते हैं, तो 150 करोड़ जनता में 22 लाख करोड़ का जरा गुणा भाग पता है कि नहीं? जरा भाग करके देखिए हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, और आप कितना दे पा रहे हो? इसके बाद आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बता रहे हो। 80 करोड़ लोग आपके यहाँ लाइन में खड़े हैं कि बाबूजी राशन कब दोगे, कब दोगे। आम चुनाव आपके सर पर है, पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता वो कारण क्या है, वो तो मोदी जी जानते होंगे या ना बोलने वाले लोग जानते होंगे, लेकिन मैं मोदी की गारंटी की वह चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको देख करके आप हैरान होंगे। किस खास खास लोगों को कैसे बनाया इतना बड़ा उद्योगपति, और गरीबों की बात करने वाले, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी जी की योजनाओं ने किस तरीके से गरीबों को लूटा। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप कोई भी सामान यदि पैकेट से किसी दुकानदार से लेते हैं, छोटा सामान कौन खरीदता है? जो छोटे तबके के लोग होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, यानी 25 किलो के पैकेट तक अगर आप कोई सामान लेते हैं ब्रांडेड प्लास्टिक में जो पैकेट में आता है, उस पे आप जीएसटी दोगे। लेकिन यदि 25 किलो से ऊपर कोई सामान बिकता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। अब आप ज़रा बताइए कि बड़े बड़े आढ़ती क्या 25 किलो लेने जाते हैं? उनको तो 100 बोरा, 10 बोरा, 500 बोरा, 1000 बोरा का काम होगा, तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो बड़े उद्योगपति हैं। वो उद्योगपति उसमें ज़्यादा से कहीं ना कहीं गुजरात के ही होंगे, और ख़रीदने वाले यूपी और बिहार के लोगों, आपको झुनझुना 25 किलो तक आप खरीदोगे? भाई 500-1000 की दिहाड़ी कमाने वाला आदमी 100 बोरा आटा तो लेगा नहीं, 100 बोरा चावल तो लेगा नहीं। मोदी जी, आप जिस तरीके से जीएसटी का बिल और जीएसटी की चोरी का भी रास्ता दे दिया कि बड़े बड़े लोग चोरी कर सकते हैं, यानी 100 बोरा खरीद लिए, 1 बोरा खरीद लिए, और कुछ कंपनियां अमेजोन टाइप जो हैं या बड़े बड़े फ्लिप है, कार्ड है, तमाम जो आप देखते होंगे कि ऑनलाइन करो और फट देना आप अपना सामान मंगवा लो, वो तो 26 किलो पर भी मोहर लगा के भेज रहे हैं कि भाई ये हमारे 26 किलो के हैं, लेकिन ये 26 किलो के हैं, उस पर लिखा 26 होगा, माल 25 का रहेगा, 25 में तो ले जाओ। मतलब क्या है घपलेबाजी? मोदी जी, आप देश को चला तो रहे हो, लेकिन गरीबी मिटा नहीं रहे हो। आप गरीबी मिटाने की बात नहीं कर रहे हो, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं। आप गरीब को हटाने की आपकी लगती है तो भाई 100 किलो पर भी लगनी चाहिए और 1 किलो पे भी लगनी चाहिए। कानून यदि है तो केजरीवाल पे भी लगनी चाहिए, तो नवीन जिंदल पर भी लगनी चाहिए। और अगर एक वर्तमान सीएम जेल में बंद हो सकता है, तो पीएम पर भी आरोप यदि लगता है तो उन्हें भी जेल चाहिए, आपके मिनिस्टरों को भी जेल चाहिए। लेकिन ये समाज को मत दिखाने का काम करिए कि मोदी जी का शैम्पू जो लगाएगा वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, और राष्ट्रभक्ति तो उसे मुफ्त ही मिल रही है।
इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।